नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला। श्रीदेवी के फैंस के लिए अब एक बड़ी खुशखबरी है, लेकिन इस खुशखबरी को बताने से पहले आपको एक बात बता दें कि साल 2012 में आई इंग्लिश विंग्लिश एक यादगार फिल्म होने के साथ साथ एक बेहतरीन कहानी और सामाजिक संदेश देने वाली फिल्म है। इस फिल्म में श्रीदेवी और शशि गोडबोले ने हमें हर भारतीय महिला की याद दिलाई, एक ऐसी फिल्म जिसने हमें हंसाया और रुलाया। इंग्लिश विंग्लिश इस साल अपने 10 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। इस अवसर का जश्न मनाने के लिए लेखक और निर्देशक गौरी शिंदे ने फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ एक पैनल मीटिंग करके एक बड़ा और बहुत ही जरूरी फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मौके पर फिल्म के निर्माता आर बाल्की, निर्माता और निर्देशक बोनी कपूर, खुशी कपूर, श्रेया धन्वंतरी, सयामी खैर और फिल्म के कास्ट और क्रू, नमिका कोटिया, निर्देशक गौरी शिंदे, गोतकार स्वानंद किरकिरे, राजीव रविंद्रनाथ, वही सिनेमेटोग्राफर लक्ष्मण उटेकर और गीतकार पटकथा लेखक कौसर मुनीर मौजूद थे। लेखक और निर्देशक गौरी शिंदे ने बताया कि इंग्लिश विंग्लिश बनाना मेरे लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक था। श्रीदेवी के साथ काम करने का मौका मिला, जो उस समय ब्रेक पर थी। उनका फिल्म के लिए मान जाना अपने आप में ही एक चमत्कार था। कैमरे के लेंस से परे भी उनकी उपस्थिति सबसे खास चीज थी। उनका यहाँ ना होना आज हम सभी के लिए दुखद है, लेकिन बाकी कलाकारों और क्रू मेंबर्स के साथ यहां आकर उनकी और फिल्म की हमारी यादों के बारे में बात करना अच्छा लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैनल चर्चा में यह तय किया गया कि श्रीदेवी की फिल्म में पहनी गई साड़ियों को नीलाम किया जाएगा। इस बात का ऐलान करते हुए बताया गया कि इस नीलामी से आए पैसों को युवा महिलाओं की शिक्षा के लिए दान किया जाएगा। गौरी ने कहा कि मेरी हमेशा से एक फैशन शो की इच्छा थी, जहां श्रीदेवी अपनी साड़ी पहनकर रैंप वॉक करेंगी। हालांकि श्रीदेवी भी यही चाहती थी। दुख की बात है कि यहां अब संभव नहीं है, इसलिए यहां नीलामी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खास है। घोषणा के बाद फिल्म की स्क्रीनिंग भी की गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस हैं। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।